नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार के बयान पर शिवसेना ने पलटवार किया है। सुधीर ने कहा था कि अगर सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। इस पर सामना में शिवसेना ने लिखा है, राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या? शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र में जो झमेला चल रहा है उसकी चिंगारी हमने नहीं फेंकी है, वो जनता जानती है। शिवसेना ने सामना में लिखा है, राष्ट्रपति तुम्हारी जेब में है क्या, या फिर राष्ट्रपति की मुहर वाला रबर स्टैम्प राज्य के बीजेपी कार्यालय में ही रखा हुआ है। अगर महाराष्ट्र में हमारा शासन नहीं आया तो स्टैम्प का प्रयोग करके बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। इस धमकी का जनता ये अर्थ क्या समझे? और दूसरी ओर सुधीर मुंगटीवार ने अपने बयान पर सफाई पेश की है। उनका कहना है, अगर 7 नवंबर तक कोई सरकार नहीं बनती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और उन्होंने यह भी कहा था कि शिवसेना द्वारा 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग की वजह से ही सरकार नहीं बन पा रही है। इसी बयान पर शिवसेना ने सामना में लिखा था। दूसरी तरफ नासिक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसानों से की मुलाकात, सरकार से मदद की अपील की है। बेमौसम बारिश के कारण फसलों का नुकसान उठाने वाले किसानों से मुलाकात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रोहित पवार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। 79 साल के शरद पवार शुक्रवार को अपने दौरे में बारिश से प्रभावित किसानों की परेशानियों को सुन रहे थे। और बहरहाल महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, ऊंट किस करवट बैठेगी, ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना बीजेपी में खींचातानी शुरू है सीएम पद को लेकर, इससे ये साफ होता दिखाई दे रहा है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा, उसके पहले कहना या फिर अनुमान लगाना ठीक नहीं है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।